नमस्कार दोस्तों, कीर्ति ऑफिशियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि बिना मावा के और बिना गाजर को कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने गाजर को हल्का सा उबाल लिया है। अब हम इसको इसकी सहायता से है जो है थोड़ा थोड़ा इसको क्रश करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो ली है हमने चीनी ली है और थोड़ी सी मेवा ली है, इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। और इधर जो है हमने थोड़ा सा दूध उबाल लिया है और इसमें जो है गाजर को क्रश करके डालेंगे। इस तरह से बनाया हुआ हलवा बहुत टेस्टी बनता है और इसमें जो है मावे का भी हमने प्रयोग नहीं किया है। और अब हम जो है गाजर को धीरे धीरे इससे क्रश करेंगे, उसके बाद उसको दूध में डालेंगे। गाजर जो है अच्छे से क्रश हो गई है, अब हम इनको दूध में डाल देंगे। दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाने दें, उसके बाद जो है हम इसमें गाजर को डालेंगे। इस तरह से बनाया हुआ हलवा जो है बहुत टेस्टी लगता है। और जब हम गाजर को कस के बनाते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उसमें बहुत सारा समय ख़राब होता है। इससे हमारा समय बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और हलवा बिल्कुल आसानी से बन जाता है और वही स्वाद देता है। बिल्कुल भी स्वाद इसका अलग नहीं रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हलवा बनाकर एक बार ज़रूर देखें। और अब हम जो है अब इसमें गाजर को डाल देते हैं। गाजर कम है और दूध ज़्यादा है, इससे जो है हलवा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसको अच्छे से चला दें। इसमें बहुत कम चीनी लगती है क्योंकि गाजर तो वैसे भी मीठी होती है। इसमें जो है हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे, क्योंकि इलायची को हमने साबुत डाला है, पाउडर फॉर्म में नहीं डाला है, क्योंकि जिसको ना अच्छी लगती हो वो इसको निकाल के अलग कर सकता है। बनते समय अगर आप मेवा डालना चाहें तो आप क्रश करके इस समय मेवा डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप डाल सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगता है। और हमारा हलवा जो है अच्छे से बनना है, चीनी को बाद में ही प्रयोग करना है। हलवा जो है अब बस तैयार ही होने वाला है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की इसमें से। इसको हल्की आंच पर ही पका। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और फिर पकने के लिए थोड़ा सा और छोड़ देते हैं। हलवा तैयार होने वाला है। कसली की सहायता से इसको हमें इस तरह से दबाना है जिससे इसका रस जो है अच्छे से निकल आए और दूध जो है इसमें अंदर तक जाए। इससे बहुत टेस्टी रहता है ये। और देखिए दोस्तों, हमने हलवे को प्लेट में सर्व कर लिया है और बिना मावा का और बिना गाजर को कसे जो है हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।